गाइस वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्विज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। नंबर वन, सीरियल अनुपमा में हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब टीवी सीरियल अनुपमा में देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा तोशु की सारी काली करतूत वनराज और बा के सामने खोल कर रख देती है। लेकिन जैसे ही परी अनुपमा को पैसे देकर जाती है, तोशु बोलता है देख लीजिए मैं चोर नहीं हूँ। इस दौरान किंजल सामने आती है और तोशु के बारे में बताती है कि कैसे ये सिर्फ शराब के नशे में धुत रहता है और वो दो जॉब करती है और घर का भी ध्यान रखती है। ये सब सुनकर वनराज और बा हैरान रह जाते हैं। नंबर टू, टेलीविजन इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि झनक और कुमकुम भाग्य जैसे शोज से टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस डॉली सोही ने कैंसर जैसी बीमारी से लंबे समय तक जूझने के बाद आज सुबह अपनी आखिरी सांस ली है। डॉली सोही के फैमिली ने न्यूज पोर्टल ई टाइम्स के साथ अपनी बेटी के निधन की जानकारी शेयर करते हुए एक बयान शेयर किया है। उन्होंने लिखा, हमारी बेटी डॉली का आज सुबह निधन हो गया है। हम उनके अचानक यूं चले जाने से पूरी तरह से सदमे में हैं। नंबर थ्री, टीवी की दुनिया में बिग बॉस की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। इस शो के 17 सीजन टीवी पर आ गए हैं और दो ओटीटी वाले भी स्ट्रीम हो चुके हैं। ऐसे में इन दिनों बिग बॉस 17 के बाद मेकर्स अब बिग बॉस ओटीटी 3 की तैयारियों में सुपर बिजी हैं। इस बीच खबर आ रही है कि बिग बॉस 18 पर भी काम शुरू हो गया है। इस सीजन के लिए भी सेलेब्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया गया है। खबरें हैं कि शो में पूजा शर्मा रेखा का नाम कंफर्म है तो वहीं अभिषेक मल्हान से भी बातचीत की जा रही है। लेकिन इन दोनों के अलावा 7 ऐसे सेलेब्स हैं जिन्हें जनता इस बार के सीजन में देखना चाहती है। नंबर फोर, ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। अभीरा अरमान दादी सां के लिए कोर्ट में भिड़ते नजर आएंगे तो वहीं खबरें हैं कि जल्दी ही रूही की दूसरी शादी का ट्रैक भी आने वाला है। तो वहीं रोहित की वापसी की खबरें भी शिवम के खुलासे के बाद जोरों शोरों से फैल रही है। लेकिन इसी बीच अब असली अबीर बिरला को लेकर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट की माने तो शो में देव ही असली अबीर बिरला है। सोशल मीडिया पर कई रिपोर्टों में कहा गया है कि देव कोई और नहीं बल्कि अभीर ही है। उसने अपनी पहचान बदल ली है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो जिंदा है। कहा जा रहा है कि देव की असली पहचान का खुलासा जल्दी ही होगा। नंबर फाइव, हाल ही में टीवी की नागिन बनी यानी कि एक्ट्रेस सुरभि चांदना ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। दोनों ने जयपुर में अपने क्लोज फ्रेंड्स और परिवार वालों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। बता दें कि पिछले साल सुरभि चांदना ने मुंबई में 1 BHK अपार्टमेंट खरीदा और इसे बोहेमियन वाइब देते हुए डिजाइन करवाया। सुरभि ने इसकी झलक भी दिखाई थी और अब करण से शादी के बाद वो इसी घर में रह रही हैं। नंबर सिक्स, इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत के एक्स हस्बैंड आदिल दुर्रानी ने दूसरी शादी करके हर किसी को हैरान कर दिया है। आदिल ने अचानक ही बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही सोमी खान से शादी करके सबके होश उड़ा दिए हैं। सोमी खान और आदिल दुर्रानी की फोटोज सामने आ गई हैं। कपल ने बेहद ही सीक्रेटली निकाह रचाया है जिसकी फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नंबर सेवन, मशहूर टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट श्रीजीता डे कई प्रोजेक्ट्स में अपनी बेहतरीन अदाकारी का जौहर दिखा चुकी हैं। हालांकि इस बार एक्ट्रेस अपने एक इंटरव्यू के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं। उन्होंने हाल ही में कास्टिंग काउच के बारे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ऐसा कुछ बताया जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि उन्हें करियर की शुरुआत में इस घिनौनी चीज का एक्सपीरियंस करना पड़ा था। अब उनके इस खुलासे ने चाहने वालों के होश उड़ा दिए हैं।